नीट यूजी की परीक्षा दरभंगा में रविवार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। आपको बता दें कि यह पहली बार था जब नीट की परीक्षा दरभंगा शहर में ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई। परीक्षा देने के बाद बाहर निकले परीक्षार्थियों में से अधिकतर ने फिजिक्स और बायोलॉजी के प्रश्नों को आसान बताया, जबकि केमिस्ट्री को थोड़ा कठिन। हालांकि इस बार मिले अतिरिक्त 20 मिनट से कुछ सहूलत परीक्षार्थियों को जरूर मिली। आप जो है नीट का एग्जाम देकर निकल रही है, कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम अच्छा था, मींस टू द पॉइंट था, एनसीईआरटी के थ्रू था सारा क्वेश्चन, स्पेशली बायोलॉजी। तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट का आसान सवाल था? बायो, एंड देन फिजिक्स भी इजी था, केमिस्ट्री थोड़ा लॉजिकल था, बट इट्स ऑलराइट। क्या इस बार लगता है कि कट ऑफ आगे बढ़ेगा कि पीछे हटेगा? नहीं, आगे बढ़ेगा। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? कौशिक जी। इस बार अभी आप नीट का उडवाइन स्कूल से आप निकल रहे हैं जी, जी। कैसा रहा आज का एग्जाम? बढ़िया, बेहतर था? बेहतर। कौन कौन से सवाल आसान थे, कौन से सब्जेक्ट आसान थे या हार्ड थे? फिजिक्स हार्ड था, बाकी केमिस्ट्री बायो आसान था। क्या ये इस बार कटअप बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बेहतर क्या एग्जाम? मस्त। आप अभी उडवाइन स्कूल से नीट का एग्जाम देकर निकल रहे हैं, कैसा रहा एग्जाम? मस्त था, मतलब सही रहा एग्जाम, पेपर आसान था। ये जो प्रश्न था वो हार्ड था या नॉर्मल था? नॉर्मल था। नॉर्मल था। कौन से सब्जेक्ट का आसान सवाल था? बॉटनी, जियोलॉजी, बायोलॉजी का सबसे आसान था। क्या लगता है इस बार कटअप बढ़ेगा या घटेगा? कटअप घटेगा, नहीं कटअप बढ़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आसान है इसलिए कटअप बढ़ेगा। क्या नाम हुआ अपना? मोहम्मद साहिल। मोहम्मद साहिल, कहाँ से हैं आप? कठलवाड़ी, दरभंगा। एग्जाम देकर उडवाइन स्कूल से निकले हैं, कैसा रहा आज का एग्जाम? एग्जाम मतलब कि जिस हिसाब से मेरा एवरेज तैयारी था, हम उस हिसाब से अपना परफॉर्मेंस दिए हैं 100%। अच्छा, ये आज का जो सवाल सब था वो आसान था या हार्ड था? नहीं, जो आसान मतलब कि जो नॉर्मली होता है कि नहीं, हर साल जो आता है एग्ज़ाम, नॉर्मली एग्ज़ाम था, क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ ऑफ नहीं था, मतलब कि प्रैक्टिस बेस्ड था, जो फिजिक्स में तो प्रैक्टिस बेस्ड था, बाकी बायोलॉजी तो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट में आसान सवाल था? बायो, बायो में आसान था, लेकिन टाइम टेकिंग था, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था ना, इसीलिए लंबा लंबा स्टेटमेंट था, इसकी वजह से टाइम टेकिंग था वो बायो। क्या कहाँ ये इसमें इस बार के एग्जाम में क्या कटअप बढ़ेगा या घटेगा? कटअप तो बढ़ेगा ही, क्योंकि एनसीईआरटी बेस से पूरा क्वेश्चन था, इसी वजह से कटअप तो बढ़ना ही है। कहाँ से तैयारी किए थे आप? हम पीडब्ल्यू से तैयारी किए थे। क्या नाम हुआ अपना? अब्दुल्ला खान। आप नीट का एग्जाम देकर निकले हैं, कैसा एग्जाम गया? अच्छा गया। पेपर कैसा, प्रश्न सब आसान था या कुछ हार्ड था? पेपर थोड़ा लेंदी था, क्योंकि टाइम को बढ़ाया गया था, इसीलिए पेपर थोड़ा लेंदी था, बायो भी थोड़ा लेंदी ही था। कौन सा सब्जेक्ट का आसान सवाल था? आसान तो जनरली मेडिकल का बायो ही रहता है। बायो ही रहता है। फिजिक्स थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन सब ठीक ही था, मिला जुला के। लेंदी था, लेकिन पेपर लेंदी था, कटअप इस बार कम जाएगा। कटअप कम जाएगा? हाँ, कटअप कम जाएगा। क्या नाम हुआ अपना? परिचय? कुणाल कुमार। कहाँ से हैं? हम हाजीपुर से हैं, लेकिन दरभंगा में ही रहते हैं। बहुत ही अच्छा रहा था, केमिस्ट्री में मतलब थोड़ा हार्ड पेपर था, और फिजिक्स में भी थोड़ा हार्ड था, लेकिन बायो को बात किया जाए मतलब बॉटनी और जूलॉजी तो थोड़ा इजी था, वो बॉटनी और जूलॉजी मेरे हिसाब से, तो कटअप देखा जाए तो बढ़ेगा इस बार। आपको कौन सा? बॉटनी और जूलॉजी का प्रश्न बहुत ही इजी था लगभग। क्या नाम हुआ? साजिब। क्या